नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका। शादी के 42 साल बाद चाहिए तलाक। द्वारका के फैमिली कोर्ट से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी एक पवित्र बंधन है, पर आज के समय में इसकी पवित्रता खोती जा रही है। इसी से संबंधित एक खबर द्वारका फैमिली से सामने आई है। शादी के 42 साल बाद एक बुजुर्ग महिला को चाहिए अपने पति से तलाक। बुजुर्ग महिला ने सिर्फ तलाक ही नहीं, अपने पति से प्रॉपर्टी में हिस्सा और गुजारा चलाने के लिए गुजारा भत्ता भी मांगा है। मामला अब कोर्ट में और फैसला अदालत को करना है। यह मामला पिछले 5 सालों से अदालत में चल रहा है, लेकिन अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। पौड़ी गलवार की निवासी शाकंभरी देवी और उनके पति ओम प्रकाश को एक दूसरे से तलाक चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शादी के 37 साल बाद ही ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी शाकंभरी देवी को बिना तलाक दिए ही दिल्ली में साल 2009 में दूसरी शादी कर ली थी। जब शाकंभरी देवी को यह पता लगा तो उन्होंने तलाक और गुजारा करने के लिए अपने व अपने बच्चों को रहने के लिए प्रॉपर्टी के आधे हिस्से की मांग कोर्ट से की। बीआर केडिया की अदालत में महिला के पति से 2 महीने के अंदर 60,000 रुपए देने का आदेश दिया। ओम प्रकाश ने पहली बीवी के होते हुए भी दिल्ली में नौकरी करने के दौरान दूसरी शादी कर ली। ओम प्रकाश की पहली बीवी शाकंभरी से उनको 2 बेटी और 1 बेटा था। शाकंभरी के मुताबिक ओम प्रकाश उनको दिल्ली नहीं लाता था। जब भी शाकंभरी देवी या उनके बच्चे साथ आने के लिए कहते थे तो वह उस बात को टाल दिया करता था। अपने पति के इस रवैये को देखकर शाकंभरी देवी अपने बच्चों के साथ जिद कर अपने पति ओम प्रकाश के साथ दिल्ली के लिए चल दी। चलाकी करते हुए ओम प्रकाश ने उन्हें दिल्ली के किसी सुनसान गांव में उतार दिया और अकेले ही दिल्ली भाग गया। लेकिन किसी न किसी तरह शाकंभरी देवी अपने पति के घर पहुंच गई, लेकिन ओम प्रकाश ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। ओम प्रकाश ने शाकंभरी देवी के पिता से दिल्ली में फ्लैट लेने के लिए 10,000 रुपये भी लिए थे, जिस फ्लैट पर ओम प्रकाश ने 2 मंजिला बनाकर उसे किराए पर चढ़ा रखा था और नीचे के फ्लैट में वह खुद रहता था। उसी के साथ ही शाकंभरी के घर छोड़ने के कारण बच्चों की देखरेख के लिए बिना शादी किए उसने एक महिला को बच्चों की देखरेख के लिए घर ला रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अचानक से वापस आने पर शाकंभरी देवी अपना हिस्सा मांग रही है और बता दें कि ओम प्रकाश को अपनी दूसरी पत्नी से 3 बेटियां और 1 बेटा है। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इसकी सुनवाई के लिए अभी भी तारीखें दी जा रही हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप पा सकें हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।